सीमा हैदर अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई। वो अपना सब कुछ बेचकर पति को छोड़कर चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई। सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी करने लगी है और चाहती है कि उसे भारत में रहने दिया जाए। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर शक की सुई गहराती जा रही है। नेपाल के जरिए भारत में बिना किसी मदद के आ जाना ये जांच एजेंसियों के लिए भी हैरान करने वाली बात है। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ। सीमा हैदर ने नेपाल के पोखरा से बस की टिकट ली थी। ट्वेल्थ में किधर से गई थी वो, इलेवेंथ में को हमारे ओनर को एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर फॉरवर्ड की थी और मैंने उनको व्हाट्सएप पे इधर आने के लिए बोला था, हमारा गाड़ी 7 बजे से निकलता है, आप इधर आइए बोला था। और वो इधर आई और बस पे सब बैठी, टिकट करवाई और हमने पूछा उनके पास आईडी है कि नहीं है, उन्होंने बोली हाँ आईडी है और हमने उसको टिकट करके उधर बस में बैठा दिया। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा सिर्फ भारत और नेपाल के नागरिकों को मिलने वाली सुविधा है, जिसमें किसी तीसरे देश का कोई भी नागरिक इसका फायदा नहीं उठा सकता। बस बुकिंग और बस में बैठने तक हर तरह की जांच की जाती है, लेकिन सीमा हैदर ने इस सेवा का फायदा तो उठाया ही, वहीं कई जगह पर झूठ बोलकर वो भारत में दाखिल भी हो गई। ये काम बिना किसी तीसरे की मदद के पॉसिबल ही नहीं है। सृष्टि बस सर्विस, जहां से सीमा ने टिकट बुक कराई थी, उस सर्विस के स्टाफ ने सीमा से क्या बात की इसका भी खुलासा हुआ। स्टाफ ने सीमा को लोकेशन भेजी, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कही गई। तब सीमा ने अपने फोन में मीणा जी के नाम से सेव नंबर को स्टाफ के साथ शेयर किया और लिखा कि भैया आप इनको मैसेज कर दो। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बस की बाकी पेमेंट का पैसा सचिन से लेने के लिए कहा था। 5000 नेपाली है का। उसने कितना रुपया पेमेंट किया? उसने हमारे वो बच्चे लोग थे इसलिए हमने तो डिस्काउंट करा था, कुछ डिस्काउंट कर दिया था उनको और उन्होंने मेरे ख्याल में 12000 इधर दिए थे कैश नेपाली रुपीस और बाकी जो 6000 होते ना वो हमारे वो दिल्ली के इंचार्ज जोन है इंचार्ज को पेटीएम कर दिया था, पेटीएम और यूपीआई को कर दिया था। वो किसने किया था? इसने उन्होंने कुछ आपने इंडियन वाले से कुछ के बात करवाई और हमने उनको वो जो इंडिया के हमारे इंचार्ज का पेटीएम वाला नंबर होता है ना वो नंबर भेजा और उन्होंने उधर पैसा डाल दिया। सीमा पर नजरें संगीन है। इसका एक और बड़ा कारण है उम्र का फर्क। सीमा के पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया है कि वो 27 साल की है, यानी अब उसके पहचान पत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा ने अपने एक बयान में बताया था कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कक्षा 5 तक ही पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से सीमा बात करती है, हाजिर जवाबी है, उससे शक और गहरा हो जाता है। एटीएस जांच में पता लगा रही है कि सीमा सब अपने आप कर रही है या कोई तीसरा उसे गाइड कर रहा है। एटीएस ने बताया है कि सीमा बिल्कुल नपे तुले अंदाज में जवाब दे रही है। इस बीच सीमा के वकील ने राष्ट्रपति को याचिका भेजी है। इस याचिका में अपील की गई है कि सीमा को भारत में ही रहने दिया जाए। याचिका में सीमा को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है। सीमा ने अर्जी के साथ अपनी और सचिन की शादी की फोटोज भी भेजी हैं। याचिका में सीमा ने बॉलीवुड सेलेब्स का उदाहरण दिया है। जब अक्षय कुमार, आलिया भट्ट विदेशी नागरिक होने के बावजूद ये लोग भारत में रह सकते हैं तो सीमा को भी भारत में रहने की इजाजत दी जाए। याचिका में लिखा गया है कि सीमा हर तरह की जांच के लिए भी तैयार है। हालांकि सीमा ने इस बात को भी साफ किया है कि आर्मी में मेरे जो चाचा है उनका मेरे पैदा होने के बाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जांच के दायरे में है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है क्योंकि हनी ट्रैप में फंसा कर जासूसी करने के ढेरों मामले सामने आए हैं। फिलहाल सचिन और सीमा पर पुलिस की पैनी नजर है।